हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सतभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। हाँ, उसी पारिजात के वृक्ष को आपको देवलोक से पृथ्वी लोक पर लाना पड़ेगा मेरे लिए। नारायण 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 नारायण। बधाई मुनिराज, सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें। देवी सत्यभामा आज इतनी प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ, देवलोक की यात्रा से लौटी जो हैं। बात ये है मुनिराज, देवलोक से मैं ऐसी अमूल्य निधि लेकर आई हूँ जिसकी पात्र केवल मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है देवी, किस अलंकरण से विभूषित हुई हैं आप देवलोक में। देव माता अदिति ने मुझे जीवन पर्यंत चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। परंतु परंतु क्या? यही कि प्रभु जब देवलोक से लौट रहे थे तो देवराज ने उन्हें एक पारिजात का पुष्प भी तो भेंट किया था। पारिजात का पुष्प? प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है, कभी असमानता नहीं रखते। उन्होंने आपको चिरयौवना होने का आशीर्वाद दिला दिया और देवी रुक्मणी को पारिजात पुष्प भेंट कर दिया। आपको चिरयौवना होने की बधाई हो देवी। वाह प्रभु वाह, नारायण नारायण। द्वारिकाधीश, मैं तो पहले से ही आपकी नित्य रमणा हूँ, मुझे चिरयौवना होने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आपने देवलोक से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपको नतमस्तक होकर आपकी दी हुई भेंट स्वीकार करती हूँ। परंतु एक बात बताइए द्वारिकाधीश, कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देखकर मेरी छोटी बहन सत्यभामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कभी सोचा है आपने? उन्होंने रुक्मणी को तो एक ही फूल दिया है और मैं उनसे पारिजात का वृक्ष ही पृथ्वी पर लेकर रहूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है सत्यभामा। सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु 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 कुछ भी नहीं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती, मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट? और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चढ़ाइए, कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। तुम्हारे क्रोध को ही तो शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब समझ गई हूँ, आपको भी और आपके झूठे प्रेम को भी। इसका तो अर्थ ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, तभी तो आपने मेरे विश्वास पर आघात किया है। विश्वासघात किया है? अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब ज्ञान किसने दिया है महारानी? मैंने तो सदैव धर्म का ही पालन किया है और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर तुम्हारे साथ अधर्म का व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूँ? आप वाक चातुर्य से मुझे नहीं बहला सकते, बातों बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़े चतुर हैं, और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्राण से नहीं मुकर सकती, इतना जान लीजिए द्वारकाधीश। अच्छा तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही
कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। देवलोक में तो आपने मुझे वो पुष्प नहीं भेंट किया था और चोरी चोरी वही पुष्प लाकर यहाँ रुक्मणी दीदी को भेंट कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप दीदी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सत्यभामा। ये भ्रम नहीं है द्वारकाधीश, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं ही पागल थी जो सदा ये सोचा करती थी कि मैं ही वासुदेव के सबसे निकट हूं। मैं ही सोचा करती थी कि जितना मैं वासुदेव को चाहती हूं दूसरा कोई और चाह ही नहीं सकता। परंतु सत्यभामा। परंतु कुछ नहीं वासुदेव, नारी जिसको सबसे अधिक प्रेम करती है उसके प्रेम का बंटवारा नहीं सह सकती। यदि उसे लगे कि उसका प्रेमी नारी के प्रेम का पूर्ण प्रतिदान नहीं देता तो उसके प्रेम का अपमान ही होगा ना द्वारकाधीश, उसका मान खंडित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सत्यभामा। क्यों नहीं है द्वारकाधीश, मैं गर्व से सबके सामने कहती थी कि मैं ही वासुदेव की प्रिय पत्नी हूं, इसलिए वो मुझे अपने साथ युद्ध पर लेकर गए थे। और आज आज ये महल की दीवारें, ये खिड़कियां, ये सब आराम और सुख के साधन मेरा मुंह चिढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। परंतु सत्यभामा, तुम तो मुझे प्रिय हो। नहीं, यह असत्य है, यह सत्य नहीं है वासुदेव। मैंने कभी असत्य नहीं बोला सत्यभामा। वास्तविकता क्या है इसके बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वास्तविकता यही है कि दीदी के कल्याण के लिए आपने पारिजात का पुष्प उन्हें दिया, मुझे नहीं। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में पारिजात का दर्शन किया था, उसके पुष्प भी देखे थे और उसकी सुगंध से भी परिचित थी। परंतु रुक्मिणी ने तो पारिजात के गुणों का अनुभव ही नहीं किया था, वो तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित थी। इसलिए जब देवराज इंद्र ने मुझे वो फूल दिया तो मैंने सोचा कि उसे भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले जो तुमने देवलोक में मेरे साथ प्राप्त किए। इसमें तुम्हारे अकल्याण की बात कहाँ है? इसमें यदि तुम्हें अपना अपमान लगता है तो मैं तुम्हारे लिए देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर तुम्हें दे सकता हूं। अब मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, मुझे पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है, अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। यदि तुमने पुण्य व्रत करने का संकल्प कर लिया है तो निसंदेह मैं देवलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप मेरे लिए ही पारिजात का वृक्ष लाएंगे? निसंदेह। नारायण नारायण, प्रभु आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। प्रभु वाह प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है, एक तीर
और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण।